Namaste and welcome back to my channel. Hope you all are doing great. In today's video, I'm recycling an old matka or a clay pot into a home decor piece. And I'm sure after seeing this video, you will try not to throw the old clay pots or matka. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो इस DIY को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे obviously मटका. तो इसे ही हम यहाँ पर रिसाइकल करेंगे. ये इतना पुराना मटका नहीं था, बट इसका ये यहाँ से टैप निकल गया था और मैंने कोशिश की इसको रिप्लेस करने की, बट नहीं हो पाया. तो इसलिए मेरे लिए एक ये वेस्ट था. तो इसी को आज मैं अपने DIY में रिसाइकल करूँगी. तो सबसे पहले इस मटके के सरफेस को पेंट रेडी करेंगे. एंड पेंट रेडी करने के लिए इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा जैसो. यहाँ पर मैंने जैसो होममेड ही बनाया है. जैसो बनाने के लिए आपको चाहिए POP या वॉल पुट्टी पाउडर. एंड यू जस्ट नीड टू ऐड वाटर एंड ग्लू इन 2:1 की रेशो में. और इस मिक्सचर को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे. इंश्योर करें कि इस पेस्ट में बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए और पेस्ट की कंसिस्टेंसी स्लरी होनी चाहिए. और बस इसे आपको अप्लाई कर देना है सरफेस पर ब्रश की हेल्प से. अगर आपके पास POP या वॉल पुट्टी पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं वाइट वॉल पेंट से, या फिर आप इस पर डायरेक्टली ऑयल पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसो को जेनरसली अप्लाई करें सो दैट इस पॉट का सरफेस स्मूथ और इवन हो पाए. और जैसो अप्लाई होने के बाद ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का दिखेगा. और जैसे ही जैसो ड्राई हो जाता है, इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है. कोई भी अपनी मनपसंद इसमें ड्राइंग आप ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने कुछ मधुबनी आर्ट ड्रॉ करने की कोशिश की है. एग्जैक्टली मधुबनी नहीं है, बट कहीं कहीं मैंने इसमें थोड़ा सा हिंट दिया है मधुबनी का. और इस पर मैंने एक मोर पैरट ड्रॉ किया है. तो आप भी इसी तरह के कोई भी आर्ट फॉर्म आप चूज़ कर सकते हैं और इस पर ड्रॉ कर सकते हैं. इसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसमें कलर्स. और कलर्स मैंने यहाँ पर एक्रेलिक यूज़ किए हैं. आप चाहें तो आप ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं. ऑफ लेटली आई फाउंड फ्यू वेबसाइट्स जहाँ पर टेराकोटा पॉट्स को, टेराकोटा पॉट्स यही पॉट्स होते हैं जिन्हें मिट्टी से बनाया जाता है, और इन्हीं पॉट्स पर हैंड पेंटिंग करके उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राइस पर सेल किया जाता है. सो तभी से आई हैव गॉट एन आइडिया क्यों ना इन पॉट्स को लोकली परचेज करके इन पर DIY ट्राई किया जाए. और ये पॉट्स काफ़ी सस्ते रेट्स पर मिल जाते हैं. तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास ये मटका ही था जिस पर मैंने ये ट्राई किया. बट आई एम प्लानिंग टू ट्राई डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट्स ऑन टेराकोटा पॉट्स इन माई अपकमिंग वीडियोज़. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड येट. जब भी आप किसी पिक्चर में कलर अप्लाई करने लगें तो मेरी आपको एक टिप यहाँ पर ये रहेगी कि कलर अप्लाई करने से पहले आप इमेजिन कर लें या डिसाइड कर लें कि आप क्या कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करने वाले हैं. और आप इंटरनेट से भी रेफरेंस ले सकते हैं. काफ़ी सारी इमेजेस अवेलेबल होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. मैं पर्सनली एट्रेंडा कलर्स अप्लाई करने लगती हूँ. कई बार तो ये क्लिक हो जाता है और आर्ट ब्यूटीफुली निकल कर आती है, बट एट टाइम्स कलर कॉम्बिनेशन मैच ना होने के रीज़न से DIY हॉरिबल भी बन जाते हैं, जिससे जिन्हें मुझे रीडो करना पड़ता है. और कई बार तो आपके साथ मैं उन DIYs को शेयर भी नहीं कर पाती. तो ये एक मिस्टेक ऐसी है जो मेरे साथ अक्सर होती है. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं एटलीस्ट मेरी मिस्टेक से सीखें और अपने DIYs में उन्हें करने से बचें. तो इस मटके पर बनी हुई ड्राइंग को मैंने ऑलमोस्ट कलर कर लिया है और डिफाइन कर रही हूँ मैं इसे ब्लैक आउटलाइनिंग करके. और इस तरह से आप देख सकते हैं ये मोर या मोरनी जो भी इसे कहते हैं वो इस तरह से बनकर तैयार हुआ है. और अभी भी थोड़ा सा इसमें काम बाकी है. आप इस डिज़ाइन पर कोन वर्क भी कर सकते हैं, बट ये मटका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इसके ऊपर मैं
अपना टाइम दे सकूँ, तो इसीलिए मैंने इसको एक्रेलिक पेंट ही अप्लाई करके इसको बनाया है। तो यहाँ पर जैसे एक पैरट तोता मैंने बनाया था, तो उसमें भी मैं यहाँ पर कलर अप्लाई कर रही हूँ। और इस मटके के नेक पर भी थोड़ी सी बेसिक डिज़ाइनिंग कर देंगे, जिससे थोड़ा सा ये और डिफाइन हो सके। एंड फाइनली आर पॉट पेंटिंग इज कम्प्लीटेड। यू कैन सी द बेसिक डिज़ाइनिंग। यहाँ पर भी कोई भी डिफ़िकल्ट ऐसा डिज़ाइनिंग यहाँ पर नहीं की है, बहुत ही बेसिक सी डिज़ाइनिंग रखी है। इस पॉट के बैकग्राउंड को मैंने वाइट ही रहने दिया है, जैसों के ऊपर मैंने वाइट ऑयल पेंट यूज़ कर लिया था, एंड उसके बाद ये सब जितनी ड्राॅइंग्स है इसमें कलर अप्लाई किया था। नेक्स्ट स्टेप इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप चाहें तो एज इट इज़ इसको छोड़ सकते हैं, बट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर फेविक्रिल 3D आउटलाइनर्स, और 3D आउटलाइनर्स से थोड़ा सा और मैं इसको डेकोरेट करूँगी। And now let's have a look at the final result. I'm using this matka or a pot as a flower vase. Abhi I don't have flowers according to the size of this matka, but definitely I would bring and place a heavy bunch of flowers in it. It's all up to you ki aap is pot ko kis tarah utilize kare. You can use it as a stand by placing planter over it. आप इस पॉट को एज अ स्टोरेज पीस भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें अपने निक नैक्स स्टोर कर सकते हैं और उसको ऊपर से कवर कर दें एक ब्यूटीफुल से प्लांटर से। सो लेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस DIY। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच DIY आइडियाज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक्स फॉर बींग टिल हेयर, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट अपलोड। Till then, bye-bye, take care and stay safe.